हेलो स्टूडेंट्स, सलाम अलैकुम। बेटे, आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंट एंड मैथ्स ऑफ सेवन क्लास और हमारा यूनिट नंबर 17 चल रहा है, जो कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 7-2 ऑनवर्ड को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो बेटा, सेवन क्लास के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 38 है। 38 लेक्चर में देखिए, मैंने आपके सामने ये कुछ फार्मूले लिखे हैं, जो कि आप अपनी कॉपी पे ज़रूर इनको मेंशन करें और इनको कोशिश करें याद करने की, क्योंकि अगर आपको जितने अच्छे ये फार्मूले याद होंगे, उतना अच्छा आपको ये चैप्टर अच्छे तरह उतना अच्छा आप इस चैप्टर को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, लिखा है आ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 105 मीटर बाय 75 मीटर। हाउ मैनी राउंड ऑफ दिस गार्डन विला बॉय कंप्लीट इफ ही रन 3600 मीटर्स। यानी इस शेप के अंदर, यानी ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके इर्द गिर्द एक बच्चा जो है, एक बॉय जो है, वो 3600 जो है वो मीटर की दौड़ लगाकर कंप्लीट करता है। अगर उस बाग का, उस गार्डन का एरिया जो है वो ये है, उसकी लेंथ और विड्थ ये है, सो इससे आप उसका एरिया निकालें कितना है, और उस बच्चे के 36 मीटर 100 मीटर अगर वो दौड़ लगाकर चक्कर लगाता है, तो उसमें उसके कितने चक्कर बनेंगे, ये हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ राउंड उसके फाइंड करने हैं। सो हम इसमें लिखेंगे लेंथ, यानी इसमें लेंथ जो है वो 105 है, और जो उसकी विड्थ है वो है 75 मीटर। सो हमें इसे क्या करना है, इसमें भी इस रेक्टेंगुलर फील्ड का या रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर फाइंड करना है। सो पेरीमीटर के लिए यही फार्मूला है, यानी लेंथ इनटू विड्थ या ब्रेड्थ एक ही बात है। सो 2 इंटू लेंथ हमारे पास 105 प्लस ब्रेड्थ हमारे पास 75 है, दोनों को प्लस कर लें। पहले दोनों को प्लस करेंगे 180 आ जाएगा, और 180 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सो 360 मीटर जो है वो टोटल उस गार्डन का जो है वो पेरीमीटर बनेगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, उसकी जो दौड़ है, या ही रन 3600 मीटर्स, सो हमें नंबर ऑफ राउंड फाइंड करने हैं। एक राउंड में देखें 360 मीटर है, यानी इसको हम लिख सकते हैं वन राउंड जो है वो 360 मीटर में कंप्लीट, यानी एक राउंड में 360 मीटर वो कंप्लीट करता है। सो 360 बल्कि 3600 के अंदर वो कितने राउंड लगाएगा, सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ राउंड्स दैट इज इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय 360। सो एक जीरो को एक जीरो से काट दिया, और इसको इससे अगर काटते हैं 360 को, जो सो 10 आ जाएगा। सो 10 राउंड जो है वो स्टूडेंट जो है, या वो बच्चा जो है, वो बॉय जो है वो लगाएगा। सो उसकी 3600 जो है वो मीटर जो है वो दौड़ उसकी कंप्लीट होगी, अगर वो 10 चक्कर उस रेक्टेंगुलर गार्डन के इर्द गिर्द लगाता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7B कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट्स। यानी यहाँ पर हमें 3 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। उन 3 पार्ट्स के अंदर हमें जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया फाइंड करना है। सो हमें यहाँ पर अगर देखें तो पार्ट वन के अंदर हमें एक स्क्वायर गिवन है, एक नहीं बल्कि 2 स्क्वायर गिवन है। एक जो है वो अंदर वाला छोटा स्क्वायर है और एक बाहर बड़ा स्क्वायर है। हमें इस एरिया का जो रकबा है उसको फाइंड करना है, यानी ये एरिया शेडेड पार्ट जो है ये हमें फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, पहले दो इसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बिग स्क्वेयर और एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वेयर दोनों को फाइंड करेंगे, और दोनों को फाइंड करने के बाद आपस में माइनस करेंगे, सो आपका ये शेडेड पार्ट आ जाएगा। सो सबसे पहले लिखें लेंथ ऑफ बिग स्क्वेयर, यानी बिग स्क्वेयर के अंदर हमें जो लेंथ गिवन है वो 15 मीटर है। सो एरिया क्या आ जाएगा इसका, एरिया ऑफ बिग स्क्वेयर वो क्या होगा,
आप देखें ना एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि एरिया अगर स्क्वायर का निकालना हो सो हम क्या करते हैं, एल इंटू एल कर लें या एल का स्क्वायर कर लें, सो हम क्या लिखेंगे, एल इंटू एल, सो 15 × 15 और 225 हमारे पास और मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हमारे पास ये जो बड़ा स्क्वायर है इसका एरिया आया 225 मीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्मॉल स्क्वायर, लेंथ ऑफ स्मॉल स्क्वायर यानी छोटे स्क्वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, वो 9 मीटर है। सो एरिया ऑफ लिखेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, अब स्मॉल स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, उसके लिए भी हम लिखेंगे लेंथ इंटू लेंथ, सो 9 × 9, 9 9s are 81 मीटर स्क्वायर। सो ये स्मॉल एरिया का एरिया आया और ये स्मॉल बिग स्क्वायर का एरिया, ये स्मॉल स्क्वायर का एरिया आया, ये बिग स्क्वायर का एरिया आ गया। अब हमें शेडेड पार्ट चाहिए, सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, सो बेटा उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों को माइनस कर देंगे, 225 मीटर स्क्वेयर माइनस 81 मीटर स्क्वेयर। सो दोनों को माइनस करें, 5 में से 1 निकलेगा बाकी 4, यहाँ पर देखें 2 है और यहाँ पर 8 है, सो एक कैरी करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 225 माइनस 81 कर लें। सो देखें यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ पर 12, 12 में से 8 बाकी 4 और 144, 144 मीटर स्क्वेयर जो होगा वो हमारे पास इस शेडेड का एरिया होगा। तो यहाँ पर हमारा पार्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर 8 का वो कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। सो पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें हमें ये शेप गिवन है, इसमें हमें क्या करना है, 1, 2, 3 और 4 यानी 4 शेप्स का एरिया फाइंड करना होगा और बाद में हम इस ट्राइंगल को वहां से माइनस कर देंगे। यानी यहाँ पर अगर आप ख्याल करें तो एक आपके पास ये रेक्टेंगल है क्योंकि इसमें यहाँ से यहाँ तक देखें तो 4 से 4 मीटर का डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो 5 है। एक ये रेक्टेंगल होगी, एक ये रेक्टेंगल है जिसमें यहाँ से यहाँ तक 8 है और ये वाला एरिया आपके पास या ये लेंथ जो है या विड्थ जो है वो हमें इसी के इक्वल है जो कि 5 मीटर के बराबर है। इसका भी एरिया निकालें, इसका एरिया निकालें और ये एक ऐसी शेप है जो ट्रेपीजियम है। सो ट्रेपीजियम अगर आप चेक करें यहाँ पर 1 × 2 a + b यानी उसकी लेंथ 1 और b जो होगी उन दोनों को सेम साइडों को प्लस करके उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हमारे पास ट्रेपीजियम है यानी ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हम इसके ऊपर लिख लेते हैं कि एक ये हमारे पास रेक्टेंगल है, दूसरी ये रेक्टेंगल है और ये हमारे पास जो शेप है वो याद रखें कि ऐसी शेप जिसमें दो साइडें इक्वल लेंथ की होंगी और एक हाइट जो होगी वो डिफरेंट होगी, सो उस शेप को हम ट्रेपीजियम का नाम दिया जाता है देते हैं। तो सो ये हमारे पास जो है वो ट्रेपीजियम है, सो ट्रेपीजियम और ये हमारे पास ट्राई एंगल है। अब इन सब का एरिया फाइंड करें, पहले 4 एरिया आप फाइंड करेंगे, सो उसमें से ये जो एरिया आएगा ये माइनस कर देंगे, सो वापस जो आपके पास ये जो शेडेड पार्ट्स हैं इसका एरिया आ जाएगा। सो हम पहले नंबर लिखते हैं ए, इसको हम नाम देंगे ए, इसको बी और इसको सी और लास्ट में नंबर ये डी है। अब ये आप ये याद रखें, सबसे पहले मैं अगर ए शेप इसका नाम दिया है तो हम ए का एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो बेटा रेक्टेंगल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर ए देखें, ए पार्ट में है सो उसके अंदर मेरे पास लेंथ और विड्थ जो गिवन है वो लेंथ इसमें हम कह देते हैं जी 5 है और विड्थ उसमें 4 मीटर है। सो इसका एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 × 5 लेंथ इंटू विड्थ, सो 20 मीटर इसका एरिया, 20 मीटर स्क्वेयर आ जाएगा इसका एरिया, यानी 4 5s are 20 मैंने कर दिया है, सो इसका एरिया हमारे पास कितना आ गया, 20 मीटर स्क्वेयर। अब दूसरी नंबर बी,
यानी बी ऑप्शन पर अगर आप देखें तो ये ट्रायंगल है जिसके अंदर लेंथ और विड्थ, लेंथ उसमें 8 है और 5 उसके अंदर यही साइड यहाँ पर होगी, सो 5 उसकी विड्थ है। सो उसके लिए हम लिखते हैं बी ऑप्शन, यानी बी शेप के अंदर लेंथ जो होगी वो 8 मीटर की है और उसकी जो विड्थ है वो 5 मीटर है। सो इसका एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो बेटा उसके अंदर क्या करेंगे, 8 × 5, सो 8 × 5 = 40 मीटर स्क्वेयर हमारे पास बी रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। अब बी का भी एरिया आ गया हमारे पास 40। तो इसी तरह से हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी फाइंड करेंगे। थर्ड शेप हमारे पास ट्रेपीजियम है। सो ट्रेपीजियम का जो फार्मूला चेक करें क्या है कि 1/2a + b × h, यानी यहाँ पर आपके पास जो है शेप दो जो गिवन है, ये वाली ये आपके पास ट्रेपीजियम है जबकि ये वाली जो है वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इसका अगर हम एरिया फाइंड करते हैं, इसके अंदर हमें 8 देखिए ना, इस साइड के जो यहाँ से यहाँ तक है, सो ये सेम इस साइड पर भी इतनी ही लेंथ है इसकी 8 मीटर। सो एक इसकी साइड ये है, एक इसकी साइड ये हो गई, यानी ये इसकी 5 सेंटीमीटर है, ये भी सॉरी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, और ये इसकी एक लेंथ जो है वो इसकी किसके बराबर है, 8 मीटर के बराबर है। सो हम क्या लिखेंगे सी शेप के अंदर, यानी सी शेप जो कि ट्रेपीजियम है, सो उसके अंदर हमें लेंथ क्या गिवन है, यानी साइड ए बी और हाइट उसकी जो गिवन है, हाइट हम समझ लेते हैं, चले यहाँ से लेके उसकी ये एक हाइट है जो कि इक्वल टू 5 के है, और उसकी साइड ए जो है वो हमें 8 गिवन है और साइड बी जो है वो 5 गिवन है, यानी ये एक साइड हमने 5 रख ली, ये वाली हमने साइड 5 रख ली, और ये उसकी जो साइड है या उसकी हाइट हमने 5 रख ली और ये एक साइड उसकी 8 रख ली। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम आप इसे समझ जाए, ये ट्रेपीजियम की शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 1/2 × a + b × h। सो 1/2 ए बी क्या है मेरे पास, देखें ए बी 5 + 8 है, 5 + 8 × h, h 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 5 + 3 = 13 आएगा, 13 × 5, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 1/2 यानी 2 से, और ये हमारे पास क्या आएगा, देखिए 13 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं सो 65 आएगा। सो 65 आएगा, 65 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, सो 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 5 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया। यानी यहां पर देखें ए बी सी तीन शेप्स का मैंने एरिया फाइंड कर लिया है। अब आप अगर इस ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड करते हैं, सो इसका भी एरिया फाइंड करके हम इन तीनों को प्लस करेंगे और इसको माइनस कर देंगे, सो ये वाला हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। अब आप इस ट्रायंगल के लिए आए तो देखें यहां से यहां तक इसकी जो विड्थ है या लेंथ है वो 5 है, और ऊपर से देखें तो ये भी 5 है। सो एरिया ऑफ हमने अगर ट्रायंगल निकालना हो, सो 1/2 बेस इनटू हाइट हम फाइंड करते हैं या उसको फार्मूले को लगाते हैं। सो अब हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हमने डी का नाम दिया है, सो डी शेप के लिए देखें, अगर आप इसको कॉपी के ऊपर तरतीब से बेटा सबसे पहले ए का निकालें, बी का एरिया निकालें, फिर सी का निकालें, फिर डी का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप इसके मुताबिक आप इसमें लिख लें बेस जो है हमारे पास वो 5 है और जो हाइट उसमें गिवन है, बेस इनटू हाइट अगर हमारे पास होनी चाहिए तो वो भी 5 है। सो 1/2 × बेस × h, ये फार्मूला लिखा, 1/2 बेस 5 है मल्टीप्लाई बाय एच किया, सो एच भी हमारे पास 5 है, सो 5 × 5 = 25, 25 / 2, सो 12.5 हमारे पास मीटर, ये जो आएगा मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का आ गया। अब ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया, अब देखें चारों आंसर मेरे पास आ चुके हैं चारों शेप्स के,
1 ABCD। और अब क्या करें, इसको हमने निकालना है, सो बाकी ये तीनों शेप्स के एरिया को आप प्लस कर लें और ये 12.5 जो है वो उसमें से माइनस कर दें, सो आपके पास एरिया ऑफ शेडेड आ जाएगा। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, सो उसके लिए सबसे पहले देखें क्या हमने निकाला था, 20 प्लस 40 प्लस 32.5 और माइनस करेंगे 12.5 को, सो टोटल देखें 20 और ये 40, 60, 60 प्लस 30 करेंगे सो 92.5, और 92.5 में से 12.5 को माइनस कर देंगे, 80 मीटर स्क्वेयर आपके पास जो है वो शेडेड पार्ट आ जाएगा। सो ये आपका आंसर है 80 मीटर स्क्वेयर, यानी इन ये जो शेडेड पार्ट है ये हमने निकाला। कैसे निकाला, सबके एरिया निकाले और ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो एंड पे आपने इसमें से माइनस करना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका शेडेड पार्ट का होगा। सो यहाँ पर हमारा पार्ट टू भी कंप्लीट हुआ, सो इसी के साथ हम पार्ट नंबर थ्री देखते हैं। पार्ट थ्री के अंदर देखें हमें इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, इस ट्राइंगल के अंदर बल्कि इस रोम्बस के अंदर हमें इस शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए। सो उसके लिए हमें देखें इस टोटल मतलब टोटल जो डायगोनल है इसकी विड्थ जो गिवन है वो 10 है और इस डायगोनल की जो विड्थ गिवन है, ये लेंथ गिवन है वो 12 मीटर है। सो अगर हम इस ट्राइंगल का ही ये फॉर्मूला लगाएं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू एज, तो इससे भी हमारा सिर्फ इस ट्राइंगल का एरिया निकल सकता है। सो वो फाइंड कैसे करना है, सबसे पहले आप देखें, फॉर एग्जाम्पल हम इसको बेस रख लेते हैं और ये परपेंडिकुलर है, सो हम लिखेंगे बेस ऑफ अ ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल। सो बेस अगर देखें इसमें टोटल 10 है, तो ये तो बेटा हाफ है, तो हाफ है तो इसके लिए मतलब हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 5 मीटर जो है वो यहां तक इसका ये वाला एरिया आ जाएगा, जो कि मैं यहां लिख देता हूँ 5 मीटर। इसी तरह से उसकी बेस क्या होगी, बेस तो ये होगी, अब उसका लिख लेते हैं हम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल। सो ट्राइंगल की जो यहां पर हाइट है या परपेंडिकुलर है वो 12 है, सो 12 को भी हम 2 से डिवाइड करते हैं, सो ये 6 मीटर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लें या फिर आप लिख लें शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ये भी लिख सकते हैं आप कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट जो कि इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल के, और वो इक्वल किसके है, 1/2 बेस इनटू हाइट। सो 1/2 इनटू बेस क्या है हमारे पास, देखें 5 आई है और हाइट जो है वो 6 है, 5 6 30 डिवाइडेड बाय 2, सो 15 मीटर स्क्वेयर जो है वो हमारे पास इस शेडेड पार्ट का एरिया है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके तीनों पार्ट कंप्लीट हुए। सो बेटा हम आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, टाइमिंग कुछ ज़्यादा होने की वजह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोज करेंगे। उस लेक्चर को हासिल करने के लिए बेटा, अगर तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो लेक्चर जैसे ही मैं अपलोड करूँ सो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। लेक्चर अगर पसंद आया है तो बेटा लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।